Assalamu alaikum, welcome to my education platform. I'm Muhammad Habib and you are watching Muhammad Habib YouTube channel. In this video, I'm going to talk about how you can make your gig effective. आप अपनी gig को किस तरह से effective बना सकते हैं, कौन-कौन से ऐसे factors हैं जो आपको check करने हैं, दूसरी gigs के से किन-किन चीजों की inspiration लानी है, अपनी gigs के अंदर improvements लानी है ताकि आप जल्दी से जल्दी order start कर सकें. तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप यहाँ पे नए हैं तो आप रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हर नई होने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे. तो बात स्टार्ट करते हैं हाउ टू मेक योर गिग अफेक्टिव. सबसे पहली बात याद रखें, कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें बेस्ट तभी बनते हैं जब आप दूसरे लोगों को देखते हैं, अपने कंपेटिटर्स को देखते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, उनकी चीज़ों में कौन सी कमी है, उनके काम में कौन सी कमी है, वो कौन सी चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे जो मैं प्रोवाइड करूं तो शायद मैं उससे आगे जा सकता हूं या जल्दी कामयाब हो सकता हूं, वहां पे जल्दी पहुंच सकता हूं. ये सारे फैक्टर्स उसमें रोल अदा करते हैं आपकी गिग या आपके काम या आपके बिजनेस के ऊपर जाने का. ठीक है, तो सेम स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है फाइवर के ऊपर. फाइवर के ऊपर आपने क्या करना है, याद रखें, सबसे पहले गिग बनाने से पहले किसी भी तरह की आप गिग बनाना चाहते हैं वो आप सर्च करें. सर्च टाइटल में आप बायर मोड में जाके सर्च कर सकते हैं, आपको डिफरेंट तरह की गिग्स मिल सकती हैं, आपको हजारों गिग्स, लाखों की तादाद में आपको गिग्स मिल सकती हैं जिनको आप एनालाइज करें. ठीक है, आप फर्स्ट पेज के ऊपर जितनी भी गिग्स आएंगी आपने सबको एनालाइज करना है. सबसे पहले आपने सब गिग्स की थंबनेल्स देखनी है, उनके टाइटल्स देखने कि इन्होंने किस तरह से यूज किया है, किस तरह की स्ट्रेटजीज यूज की है, किस तरह के एलिमेंट वहां पे यूज हुए हैं, वो सारी चीजें अपने दिमाग में रखनी है. उसके बाद आपने एक एक करके नोट करना है कि मैं कौन सा ऐसा काम करूं, कौन सा ऐसा एलिमेंट इस पिक्चर्स के अंदर यूज करूं ताकि मैं इनसे डिफरेंट लग सकूं, ताकि मेरी गिग के ऊपर जल्दी से इंप्रेशन और क्लिक्स बढ़ सकें, बायर को मैं किस तरह से अट्रैक्ट कर सकता हूं, बायर के माइंड को किस तरह से अपील कर सकता हूं. तो सबसे पहले आपने ये देख लेना. उसके बाद आपने टॉप से स्टार्ट करना है, हर गिग को ओपन करना है, हर प्रोफाइल को ओपन करना है, उसकी अप्रोच देखनी है, वो किस तरह से जा रहा है. ठीक है, उसके रिव्यूज किस तरह से हैं. ठीक है, उसके बाद उसकी जो गिग की डिस्क्रिप्शन है वो किस तरह से लिखता है. ठीक है, हर चीज, वो टैग्स कौन से यूज करता है, उसके बाकी गिग्स के ऊपर टैग्स कौन से यूज हुए हैं. ठीक है, बाकी गिग्स किस तरह से बनाई है उसने, वो कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाता है, ये सारी चीजें आपको तभी आएंगी जब आप रिसर्च करेंगे. याद रखें, जितनी ज्यादा आप रिसर्च करें उतने ही ज्यादा आपके चांसेस होंगे कामयाब होने के. याद रखें, अगर आप कंपेटिटर एनालिसिस नहीं करते तो कभी भी आप कामयाब नहीं होंगे. ठीक है, तो याद रखें, कंपेटिटर्स को एनालाइज करें, वो क्या काम कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा काम मुझे नहीं करना चाहिए, कौन सा काम मेरे कंपेटिटर्स, मेरे मद्दे मुकाबिल लोग नहीं कर रहे और मैं अगर करूं तो मुझे जल्दी ऑर्डर मिल सकता है. ये सारे काम आपने करने हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी कामयाब हो सके. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी. अगर हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.